Ecuador rejabă din dașune, sensor ca urmă lupse să încearcă de edu, mic să mă urai. O să ame, să fii de vide tău chesat, Brahma, Vishnu, Omaheshmi, Vastetre. Rejabă din dașune a gândăr, să fii upăstit de daune, apne stan păr care ocăr unca adărchia. Părându Bhagavan Shivne esa princhia. Despații întrucăr, Maharaj Dakshne kaha. Shiv, mere atman păr să fii upăstit de daune, apne stan păr care ocăr de abhinandan kia. Lekin tumne esa na karke, mere apman kia. तुम जैसे मंत्रधारी गले में नाम लगाते शरीर पर शमशान की भस्म लपेटे प्रेत को तो इस सभा में बुलाना ही नहीं चाहिए था। परंतु मेरे दामाद होने के कारण तुम्हें इस सभा में बैठने की अनुमति है। ये सब ज्ञात होते हुए भी तुम्हारा यह दुर्व्यवहार हमें स्वीकार नहीं है। हे प्रजापति, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने खड़े न होकर आपका अपमान किया है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मेरी अर्धांगिनी सती के पिता हैं, मैं भला आपका अनादर कैसे कर सकता हूँ। मेरे हृदय में आपके लिए सदैव आदर एवं प्रेम ही है। तुम अपने प्रपंचों से मेरी पुत्री सती को भ्रमित कर सकते हो शिव, परंतु मुझे नहीं। मैं अभी तुम्हें इस दुराचार का दंड दूंगा। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ शिव कि इस संसार में अब जब भी कोई यज्ञ का आयोजन होगा तुम सभी यज्ञों से बहिष्कृत रहोगे। तुम्हें किसी भी यज्ञ में पूजा नहीं जाएगा। प्रजापति दक्ष के इस श्राप से तो मानो जैसे पूरे संसार में पूजा पाठ करना ही निषेध हो गया था। शिव की आराधना किए बिना भला कोई यज्ञ कैसे आयोजित कर सकता है। तब नारद मुनि अपने भ्राता दक्ष को समझाने उनके पास पहुंचे और उनसे कहा, नारायण नारायण भ्राता दक्ष, क्रोध के वशीभूत आपने तो देवों के देव महादेव को ही श्राप दे दिया। ऐसा लगता है कि संसार में ना तो अब पूजा पाठ होंगे और ना ही यज्ञ होंगे, क्योंकि महादेव की आराधना किए बिना तो सब पूजन विधान अधूरे ही रहेंगे। यह केवल आपका भ्रम है भ्राता नारद, केवल भ्रम। आपको और समस्त संसार वासियों को अगर ये भ्रम है कि उस अघोरी शिव के बिना पूजा पाठ या यज्ञ नहीं हो सके, तो मैं स्वयं ही एक यज्ञ का आयोजन कर सभी की शंकाओं पर पूर्ण विराम लगा दूंगा। प्रजापति दक्ष ने कणखल में एक उत्तम यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए प्रजापति ने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र एवं सभी अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु अपनी बात सिद्ध करने हेतु उन्होंने भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को ये ज्ञात हुआ तो वो स्वयं ही यज्ञ में सम्मिलित होने एवं अपने पिता से मिलने कणखल जा पहुंची। सती को देखकर प्रजापति दक्ष क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी ही पुत्री का तिरस्कार करते हुए कहा, जब तुम्हें और तुम्हारे शिव को निमंत्रण ही नहीं दिया गया तो तुम इस यज्ञ में क्या करने आए हो सके। यह उत्तम यज्ञ है, जाओ, यहाँ तुम्हारी या तुम्हारे शिव के लिए कोई स्थान नहीं। पिताश्री, आप मेरे स्वामी शिव की निंदा बंद करें। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि बिना शिव की आराधना किए कोई यज्ञ सफल भी हो सकता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है पिताश्री, बहुत बड़ी भूल। कैसे इस यज्ञ में जिन देवताओं को उपस्थित होना चाहिए
वे सभी यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ संसार को भ्रमित करने वाले तुम्हारे अघोरी शिव की कोई आवश्यकता नहीं है। पिताश्री, मैं फिर कहती हूँ कि शिव निंदाओं बंद करें। मुझे लज्जा आती है ये कहने में कि मैं आपकी पुत्री हूँ। मैं अब इस देश में रहकर आपकी पुत्री बनना अस्वीकार करती हूँ। मैं अभी इस अवधि को निपूत कर अपनी देह का त्याग करती हूँ। सती ने अग्निकुंड में कूद कर प्राणानुभूति दे दी। सती की मृत्यु का वृत्तांत जानकर क्रोधित शिव ने प्रलयंकारी तांडव प्रारंभ किया। उसे कोई भी मनुष्य पशु
या देव नहीं मार सकता। वरदान मिलते ही जब महिषासुर ने तीनों रूप में हाहाकार मचा दिया, वो अत्याचार का जीवंत प्रतिमान बन चुका था। मेरी शक्तियों के समक्ष अब कोई भी देवता या मनुष्य मुझे परास्त नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी के वरदान से तो मैं अब काल को भी चुनौती दे सकता हूँ। महिषासुर के आतंक को रोकने के लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश ने सर्वोच्च मूल ब्रह्मांडीय शक्ति महादेवी आदिशक्ति की पूजा की, जिससे देवी शक्ति ने 10 हाथों सहित देवी दुर्गा का सुंदर रूप धारण किया। लगातार 9 दिन और 9 तक चले इस युद्ध के अंतिम 10वें दिन माँ दुर्गा ने अपने पवित्र खड़ग से महिषासुर का वध किया और महिषासुर मर्दिनी के नाम से जगत में विख्यात हो। Yeah.
की जागृति आपका हो या माँ के रोग के ठीक सामने देवी के पवित्र सिंह की मूर्ति हो, भक्त श्रद्धा भाव से अपना शीश झुकाते हैं। श्रद्धालु माँ के शेर को कंकु पूजा करके पूजते हैं। इसी निज मंदिर के सामने चाचा चौक है, जहाँ एक अखंड ज्योत आज भी प्रज्वलित है। पौराणिक कथा के अनुसार इस अखंड ज्योत को माँ अम्बा के भक्त अखेराज ने प्रज्वलित किया था। हर युग में माँ अम्बा ने अपने भक्तों का उद्धार किया है और उन भक्तों में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का नाम भी आता है। त्रेता युग में घटित ये किंवदंती आज भी यहाँ सुनाई पड़ती है। माना जाता है कि सीता माता की खोज करते हुए भगवान श्री राम और लक्ष्मण अयोध्या के जंगलों में आए थे। यहाँ उनकी भेंट ऋषि श्रृंगी से हुई। ऋषि श्रृंगी ने ही श्री राम को देवी शक्ति की आराधना करने के लिए प्रेरित किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जब देवी की आराधना की तो माँ अम्बा ने उन्हें दर्शन दिए। हे राम, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए? हे जगत जननी, हे सर्वेश्वर, आपका दर्शन प्राप्त करना ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। आप सब व्यापी हैं, सब जानती हैं। अगर आप मुझे कोई वरदान देना चाहती हैं, तो कुछ ऐसा वरदान दीजिए जिससे इस संसार का कल्याण हो सके। हे दशरथ नंदन, मुझे ज्ञात है कि आप इस भूलोक पर क्यों अवतरित हुए हैं। मैं आपको दिव्य अजय बाण प्रदान करती हूँ। यह बाण अचूक है। आप इससे जिस भी प्राणी पर प्रहार करेंगे उसकी मृत्यु निश्चित है। मान्यता है कि इसी अजय बाण से श्री राम ने रावण का वध किया था। श्री महाश्री माता अमराजी मंदिर के ठीक पीछे समर्पित अजय माता मंदिर स्थित है। यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर कोटेश्वर मंदिर का एक प्राचीन मंदिर विद्यमान है। आज भी ऐसा विश्वास है कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का एक आश्रम इसी स्थान पर स्थापित था। ये पावन स्थान वैदिक कुमारी नदी सरस्वती के उद्गम स्थल के रूप में भी जाना जाता है। आस्थाएं युगों के महासागर मानती हुई समय की धार पर अम्बा यात्रा करती है। अम्बा माँ के इस पावन धाम का मार्ग में ही त्रेता को लांघ कर द्वापर तक चला आया। मान्यता है कि गब्बर पर्वत पर ही भगवान श्री कृष्ण का भ्रमण हुआ था। इसी मान्यता के चलते आज भी श्री आनासुरी माता अम्बाजी मंदिर के पीछे स्थित मान सरोवर कुंड में लोग मुंडन संस्कार के लिए आते हैं। महाभारत ग्रंथ में भी इस दिव्य स्थान का वर्णन मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि राजकुमारी रुक्मिणी ने भाद्रपद की पूर्णिमा के दिन गब्बर पहाड़ी पर श्री कृष्ण से विवाह करने के लिए माँ अम्बा की आराधना की थी। माँ अम्बा ने प्रसन्न होकर उन्हें श्री कृष्ण की अर्धांगिनी होने का आशीर्वाद दिया था। ऐसी मान्यता है कि इस प्रसंग के पश्चात ही इसी दिव्य स्थान पर पहली बार नवरात्रि पर्व गुजराती गरबा शैली में मनाया गया था। Oh,
जी ने भागवत पूर्णिमा के शुभ बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है। 7 दिन तक चलने वाले इस मेले के दौरान